हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, परीक्षा का तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका चल रहा होगा। और परीक्षा के लिए, परीक्षा हॉल में एंट्री के लिए जो एडमिट कार्ड होता है उसका इंतजार भी बहुत ही बेसब्री से बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। और हमारे ऑफिस में लगातार फोन आता है कि सर पूछ करके बताइएगा कि एडमिट कार्ड जारी कब होगा। तो प्यारे बच्चों, बात कुछ ऐसा है कि डमी एडमिट कार्ड कुछ दिन पहले जारी हुआ था, आपको पता है ना कि डमी एडमिट कार्ड कुछ दिन पहले जारी हुआ है, और उसमें बहुत सारे बच्चे का, किसी का फादर नेम गलती हो गया था, किसी का मदर नेम गलती हो गया था, किसी का एड्रेस गलती हो गया था, किसी का नाम ही गलती हो गया था। तो जिनका भी गलती हुआ उनका प्यारे बच्चों सब कुछ सुधर गया है, ठीक है। वे लोग अपने अपने स्कूल में जाकर के बोले थे प्रधानाध्यापक को, उनका सब कुछ भेजा गया था सुधारने के लिए, तो बिहार बोर्ड सबका सुधार दिया है और लगभग प्यारे बच्चों अंतिम स्थिति में है, अंतिम हो चुका है। लेकिन अब बात है कि सर आखिर फाइनल जो एडमिट कार्ड है मैट्रिक परीक्षा के लिए, जिस एडमिट कार्ड को लेकर के हम जाएंगे परीक्षा देने के लिए और तब हमें परीक्षा देने दिया जाएगा, वो वाला एडमिट कार्ड कब जारी होगा? तो प्यारे बच्चों बता दें कि नए साल में, ठीक है ना, यानी कि 2024 में 7 या 8 तारीख को लगभग उम्मीद है कि आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों इस बार सिर्फ एडमिट कार्ड से आपको एंट्री नहीं मिलेगा, इस बार सिर्फ एडमिट कार्ड से आपको एंट्री मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है प्यारे बच्चों, और इस बदलाव के बारे में हम आपको बताएंगे। इसलिए हम लिखे थे कि इस बार हो गया बहुत बड़ा बदलाव। इस बार अगर सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे कि हमको एंट्री दे दीजिए, तो एडमिट कार्ड से सिर्फ एंट्री नहीं होगा बल्कि उस एडमिट कार्ड के साथ आपको एक अपना पहचान पत्र भी लेकर के जाना होगा। जैसे अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले लीजिएगा, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले लीजिएगा, लेकिन आप लोगों का आधार कार्ड ही होगा तो आप लोग आधार कार्ड जरूर लेकर के जाइएगा, क्योंकि बिना आधार कार्ड का हो सकता है कि एंट्री ना मिले, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से यह सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है कि पहचान पत्र साथ में लाना होगा। तो मुख्य रूप से ये वीडियो हम बना रहे थे एडमिट कार्ड के लिए। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा कॉल कर रहे थे कि सर एडमिट कार्ड कब जारी होगा। तो सबसे पहली बात तो कि बच्चों एडमिट कार्ड के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैट्रिक वाले बच्चों का पूरे बिहार भर में कहीं पर अभी एडमिट कार्ड नहीं मिला है। अगर जो बच्चे परेशान हो रहे थे इस बात को लेकर के सर हमारे स्कूल में नहीं आया है, अगर कुछ कुछ लोगों ने तो अपवाह भी उड़ा दिया है, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे फेक वीडियो बनते रहते हैं, अपवाह उड़ा दिया गया आज जारी होगा, कल जारी होगा, परसों जारी होगा, इस कारण से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी स्कूल में अभी मैट्रिक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, और हम एक बड़े स्कूल के प्रधानाध्यापक से भी बात किए तो उन्होंने साफ कहा कि सर 7 या 8 तारीख को जारी होगा, ठीक है ना, 7 या 8 तारीख तक पूरा पूरा उम्मीद है कि जारी हो जाएगा। प्रधानाध्यापक हमें जैसा बताए वैसा हमें प्यारे बच्चों जानकारी है, और आगे अगर किसी भी तरीके का कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उसके लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, ताकि आप लोगों को समय समय पर सब कुछ जानकारी मिल जाए। और जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होता है उस एडमिट कार्ड को जारी करने का लिंक भी हम व्हाट्सएप चैनल है उसमें डाल देंगे, वहां से आप तुरंत अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो भी बच्चे 2024 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले थे उनका एडमिट कार्ड बहुत जल्द आ जाएगा। अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको हर एक अपडेट प्यारे बच्चों मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा की बेहतरीन तैयारी हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि एकदम अच्छे तरीके से मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करें, तो फिर 2 जनवरी से हमारा ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च हो रहा है, उस बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक एक चीज को जो कुछ भी हम ब्रह्मास्त्र बैच में पढ़ाएंगे उसे आप लोग पूरा पूरा पढ़िएगा, हर एक डाउट आपका क्लियर होगा, एक एक चीज आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, और कोशिश रहेगा कि मैट्रिक परीक्षा में आपको बेहतरीन नंबर दिया जाए, ठीक है ना, बेहतरीन नंबर दिलाया जाए, आपकी तैयारी मजबूत हो। और मजबूत तैयारी के साथ अगर आप लोग जाएंगे परीक्षा देने के लिए तो जाहिर सी बात है कि आपका परीक्षा एकदम बेहतरीन जाएगा, और किसी भी सब्जेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड का काम है आना, और अब आपका बस एडमिट कार्ड ही तो बचा है। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा आपको पता चल जाएगा कि हमारा सेंटर कहां गया है, किस कॉलेज में, किस स्कूल में कहां पर सेंटर गया है, और आप लोगों को हम बताएंगे कि सेंटर पर जाके क्या करना है,
ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस पर एडमिट कार्ड आया और सब काम छोड़ के पहले सेंटर देखने के लिए चले गए कि चलो भाई ले भाई सेंटर ही चल करके देख लिया जाए। ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। सेंटर देखने का कोई जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। और आपको हम आगे का कोई भी अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल में डाल देंगे। आप लोग व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़ जाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अब जितने भी सारे मन में डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी मन में कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या डाउट है। हम आपके हर एक डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। हर एक डाउट को प्यारे बच्चों हम जरूर आपका लेंगे और आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच जो भी एडमिट कार्ड को लेकर के परेशान हो रहे थे उनके बीच में। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।